कई कोट्स और वीडियोस तो देखे ही होंगे आपने। कई लोगों का मानना है कि उनका डॉग उन्हें इंसानों से ज्यादा बेहतर समझ पाता है। उन्हें पता लग जाता है कि कब इंसान दुखी या डिप्रेस्ड होता है, वो उस चीज को भांप लेते हैं। कुत्ते इंसान के सबसे आसानी से दोस्त बन जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप साइंटिफिकली सही हैं। हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट की एक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक कुछ हद तक डॉग्स का दिमाग इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। तभी वो इंसानों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस जैसे कि उठना, बैठना, भागना जैसी चीजें आसानी से समझ पाते हैं। कुत्तों पर हुई इस रिसर्च और स्टडी का मोटिव ये था कि कुत्तों और बाकी जानवरों की चीजों को पहचानने और याद रखने की कितनी क्षमता है। इस स्टडी से पहले इन डॉग्स को कुछ समय तक ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें साइंटिस्ट ने अलग अलग ब्रीड्स के 19 कुत्तों पर स्टडी किया। ये स्टडी करंट बायोलॉजी जर्नल में छपा है। बुडापेस्ट में हंगरी एकेडमी ऑफ साइंस की यूनिवर्सिटी इटोवस लोरान की लीड ऑथर और रिसर्चर एटिला एंडिक्स ने कहा है, हमने इस रिसर्च के लिए पॉजिटिव स्ट्रेटजीज अप्लाई, मतलब बहुत सारा प्यार और अप्रिसिएशन। और जो डॉग ओनर्स या पेट लवर्स हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि डॉग्स को इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है आपसे जिंदगी भर वफादार रहने के लिए। इस स्टडी में पहले तो हंगरी में जब कुत्तों के दिमाग की एमआरआई स्कैनिंग की गई तो रिसर्चर्स को पता चला कि कुत्तों का दिमाग किसी आवाज पर वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा आदमी का दिमाग, मतलब इमोशनल साउंड्स जैसे कि हंसने की आवाज, रोने की आवाज, एक कुत्ते और एक इंसान के दिमाग में सेम तरीके के रिएक्शन देती है। ह्यूमन इमोशंस के साथ कुत्तों की इंटोनेशन चेंजेस यानी कि उनकी आवाज में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद शुरू हुआ इनका एक्चुअल स्टडी। आइए अब आपको बताते हैं स्टडी के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्तों के मालिकों ने अपने पेट्स की पहचान की 5 चीजें चूज करी। इसके बाद उन्हें किसी एक चीज का नाम पुकारने के बाद उस चीज को सामने रखना था या किसी और चीज को उनके सामने रखना था, जिसके बाद उनका रिएक्शन देखने और समझने के लिए रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम यानी कि ईईजी के जरिए उन कुत्तों की ब्रेन वेव्स को स्टडी किया। वो ये देखना चाहते थे कि कब किस चीज को देखकर उनका दिमाग में क्या एक्टिविटी होती है, मतलब वो ये जानना चाहते थे कि यदि बोली गई चीज उनके सामने रखी जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर किसी और चीज को उनके सामने रखा जाए तो उस पर उनका कैसा रिएक्शन होगा। अब इसमें उन्होंने पाया कि अगर उनको बताए गए शब्द जैसे कि उनका कोई टॉय बॉल उन्हें बताया गया हो और फिर उन्हें वही चीज दिखाई गई हो तो वो उसको समझ पा रहे हैं, ऐसा उनके ब्रेन वेव्स ने दर्शाया। पर वहीं अगर उनको जो शब्द बोला है और वही चीज नहीं दिखाई गई तो उनके ब्रेन वेव्स डिफरेंट थी, मतलब कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि इंसान और कुत्ते दोनों ही मामलों में ह्यूमन साउंड पर दिमाग का टेम्पोरल पोल पार्ट जो होता है वो अलर्ट हो जाता है। डॉक्टर एंडिक्स ने बताया कि हम जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो ह्यूमन साउंड पर किसी भी और आवाज की तुलना में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। हमने इसी तरह के स्ट्रक्चर कुत्तों के दिमाग में भी पाया। हमने जो फैक्ट पाया है वो ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर सारे कुत्तों में मौजूद है, मगर सरप्राइजिंग ये है कि ये पहली बार इस स्ट्रक्चर को हमने किसी गैर वानर प्रजाति यानी कि नॉन एप स्पीशीज में देखा है। तो इस रिसर्च से ये साफ हुआ है कि कुत्तों में चीजों की पहचान का एक गुण इंसान से मिलता जुलता है। इस स्टडी में ये भी खुलासा हुआ है कि कुत्तों में ये गुण बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानों के मामले में दिखता है। साफ शब्दों में कहें तो कुत्तों में किसी चीज को उसके नाम से जोड़ने की जो दिमागी एक्टिविटी देखने को मिलती है वो एग्जैक्टली इंसानों के जैसी है। अच्छा, जाते जाते आपसे एक चीज पूछ कर जाना चाहूंगी, जरा सोच कर देखिएगा। जो कुत्ते हैं वो इंसानी भाषा तो समझ लेते हैं, पर इंसान कुत्तों की भाषा नहीं समझ पाते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट है? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।